हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हेयरफान हैदर और आप देख रहे हैं हेयरफान हैदर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मैं आपको पैथन कोड में कुछ इंटरेस्टेड चीज़ सिखाऊँगा। सर्कल कैसे प्रिंट करते हैं, 5-6 सर्कल कैसे प्रिंट करते हैं, तो वो टर्टल मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो चलते हैं पैथन जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक में चलने के बाद न्यू पर क्लिक करें, न्यू में पैथन 3 पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इंटरफेस होगा। तो हम इंपोर्ट करते हैं पहले टर्टल की लाइब्रेरी को, इंपोर्ट TU और टर्टल। तो फिर लिखते हैं टी इक्वल टू टर्टल डॉट ट्रू टर्टल ट्रू नहीं टी और टी एडिट टर्टल ब्रैकेट एंटर। तो हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में कुछ कलर, लिस्ट वन में हम कुछ कलर डालते हैं। पहला जो सर्कल हमारे पास होगा वो होगा रेड। उसके बाद दूसरा जो होगा वो होगा येलो येलो, तीसरा होगा ब्लू, चौथा होगा ग्रीन, तो हमारे पास होगा ग्रीन। तो उसके बाद ब्लैक, फिर उसके बाद पिंक, तो उसके बाद प्रिंट लिखते हैं टी डॉट और ब्रैकेट लेटर एंटर टी डॉट go to 200 comma 0। तो उसके बाद हम रेंज डिफाइन करते हैं फॉर आई इन रेंज और इन जी रेंज 6। तो हमारे पास कितने कलर, 1 2 3 4 5 6, तो रेंज भी 6 होगा। उसके बाद डॉट, फिर देखते हैं टी डॉट डॉन डॉन की तरफ डॉन ब्रैकेट। उसके बाद लिखते हैं टी डॉट लेफ्ट आउटसाइड की तरह 60 डिग्री का। तो उसके बाद लिखते हैं टी डॉट कलर लिस्ट वन के में जो कलर है वो डाल दें इसमें लिस्ट 1 यही हमने रेंज में ऊपर डिफाइन किया पर आई इन रेंज। तो इधर भी हम लिख देंगे आई। उसके बाद टी डॉट पेन पेन साइज पेन साइज हम 20 लेते हैं। पेन साइज का मतलब है जो सर्कल लगाते हैं वो कितने सर्कल का जो पेन साइज है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पेन से सर्कल बनाते हैं तो वो स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है। तो उससे साइज आप डिफाइन भी इधर कर, 5 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जिस तरह आपको पसंद आए। तो उसके बाद लिखते हैं टी डॉट सर्कल सर्कल वन हंड्रेड लिखते हैं टी डॉट। अब ऊपर हमने डॉन टी डॉट डॉन लिखा, अब टी डॉट आप लिखें ऊपर की तरफ टी डॉट
अपने इधर टी डॉट बैक टी डॉट बी के लेट 100 तो वो अभी इसको चेक करते हैं, रन करते हैं किसी रन होता है कि नहीं। टर्टल इज नॉट डिफाइन तो चेक करते हैं इसको, टर्टल क्यों डिफाइन नहीं है। सॉरी इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, टी यू और मिसिंग हुआ। इधर रन करते हैं अभी तो, रन करने के बाद ये आपके पास कुछ और इंटरफेस होगा इस तरह, तो इस तरह आपके पास ये आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।